प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास फोर सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर फर्स्ट, वीडियो पार्ट थर्ड। आज बच्चों आप पेज नंबर 6 को ओपन कीजिए। आपका एक्स होगा क्वेश्चन बचे हुए थे वो हम पूरा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है सही जोड़े मिलाइए। क्वेश्चन नंबर घर चालिए सही जोड़े मिलाइए। क्वेश्चन नंबर है सही जोड़े मिलाइए। किसके जोड़े मिलाने? भाषा और उसकी लिपि। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, आप मिलान कीजिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कौन सी लिपि है? हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली। बांग्ला की कौन सी है? बंगाली। तो मिलान कीजिए हिंदी को, मिलान कीजिए देवनागरी से। अंग्रेजी का मिलान कीजिए रोमन से। पंजाबी का मिलान कीजिए गुरुमुखी से। उर्दू का मिलान कीजिए फारसी से। और बांग्ला का मिलान कीजिए बंगाली से। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? आंसर देखिए, क्योंकि मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों तथा मन के भावों का आदान प्रदान दूसरों के साथ कर सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों तथा मन के भावों का आदान प्रदान दूसरों के साथ कर सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों तथा मन के भावों का आदान प्रदान दूसरों के साथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड होता है, भाषा किसे कहते हैं? आंसर देखिए, ऐसा साधन या माध्यम, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, ऐसा साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा कहलाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मौखिक भाषा व लिखित भाषा किसे कहते हैं?
क्वेश्चन था मौखिक भाषा व लिखित भाषा इसे कहते हैं। आंसर फर्स्ट मौखिक भाषा, पहला कौन था मौखिक भाषा। जब हम अपने तथा दूसरों के विचार मुख से बोलकर तथा सुनकर ग्रहण करते हैं। जब हम अपने तथा दूसरों के विचार मुख से बोलकर तथा सुनकर ग्रहण करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। यह भाषा का प्रथम रूप कहलाता है। दोबारा लिख रहा हूं, जब हम अपने तथा दूसरों के विचार मुख से बोलकर तथा सुनकर ग्रहण करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। यह भाषा का प्रथम रूप कहलाता है। सेकेंड लिखित भाषा। जब हम अपने तथा दूसरों के विचार लिखकर और पढ़कर समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। दोबारा कह रहा हूं, जब हम अपने तथा दूसरों के विचार लिखकर और पढ़कर समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। यह भाषा का दूसरा रूप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं। आंसर देखिए, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का समूह लिपि कहलाता है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का समूह लिपि कहलाता है। क्लियर। फिर भी तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का समूह लिपि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। क्या क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। आंसर देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को
व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं तथा व्याकरण का यह महत्व है कि इससे हमें वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं तथा व्याकरण का यह महत्व है कि इससे हमें वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड चैप्टर नेक्स्ट डे प्रारंभ करेंगे।